साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश में सरकार चुनाव के बाद काम करना शुरू कर चुकी है। चुनाव के नतीजे आए, 37 साल बाद बीजेपी ने बहुत ही अहम मिथक को तोड़ते हुए दोबारा उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं और अब समय है जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर चर्चा करने का। और इसके अलावा सरकार का काम यह है कि जिन मुद्दों को लेकर के चुनाव में विपक्षियों ने उन्हें घेरा था या जिन मुद्दों के बल पर सरकार ने जनता का सपोर्ट अपने पक्ष में मांगा था, अब उन मुद्दों पर चर्चा की जाए, उन मुद्दों पर विचार किया जाए और उसका हल निकाला जाए। और इन्हीं मुद्दों में सबसे अहम मुद्दा है रोजगार का। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार विरोधी दलों ने बीजेपी से ये सवाल पूछे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी की समस्या पर कुछ भी सोचा क्यों नहीं, क्यों परीक्षाओं के पेपर लीक होते गए, क्यों कोई नई भर्ती नहीं निकाली गई, तैयारी कर रहे युवाओं का भविष्य अधड़ में क्यों सरकार ने रखा। कई सारे सवाल जो थे विपक्षी दलों ने पूछे थे और जवाब में सरकार ने यह कहा था कि हमारी सरकार ने साफ सुथरे तरीके से करीब 6-6.5 लाख भर्तियां उत्तर प्रदेश में सरकारी की हैं। यह भी कहा गया कि बीती सरकारों में जो भर्तियां हुआ करती थी उन भर्तियों में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर होता था, एक विशेष वर्ग को सपोर्ट किया जाता था, फाइलें कहीं और से आती थी, लिस्ट कहीं और बनती थी और कुछ और लोग उस पर मुहर लगा करके उसे पास करके लोगों को रोजगार दे दिया करते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से इस मुद्दे पर काफी कुछ अंकुश लगा और बीजेपी ने 6.5 लाख सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश में युवाओं को दी। पूरे चुनाव भर बीजेपी ने इस बात को कहा है, लेकिन अब है 5 साल के बाद का हिसाब किताब देना, हिसाब किताब बनाना और हिसाब किताब शुरू करने का काम, क्योंकि दोबारा उत्तर प्रदेश सरकार के रूप में बीजेपी आ तो गई है। संकल्प पत्र में इस बात को भी कह दिया था कि हम बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में रोजगार देंगे और उसी को देखते हुए अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मुद्दे को लेकर के काफी सजग है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बीते दिनों लगभग सभी विभागों के जो उनके विभागाध्यक्ष हैं, शासन के जो अधिकारी हैं, जो परीक्षाएं कराते हैं, उन विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करी थी, उनसे रिपोर्ट मांगी थी और सबको ये कहा था कि आप लोग अलग अलग विभागों में जहां जहां भर्तियां हो सकती हैं, जहां जहां पद खाली हैं, उनका डाटा तैयार करिए और 100 दिन के अंदर 10,000 रोजगार उत्तर प्रदेश में युवाओं को दीजिए। फैसला तो बहुत बड़ा है, बहुत ही अहम है, लेकिन इस फैसले पर कितनी जल्दी और कितना बेहतर काम होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कोशिश पूरी है उत्तर प्रदेश की सरकार की, बीजेपी की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, कि इस बार जो सबसे बड़ी फांस पिछले चुनाव में बनी थी रोजगार की, इस बार उस फांस पर पहले ही काम कर लिया जाए और युवाओं को रोजगार दे दिया जाए। लेकिन ये रोजगार देने की जो प्रक्रिया है ये कैसे होगी, इस पर सवाल है। क्या एक्शन प्लान बनाया गया है, फॉर्मूला क्या है, किस तरह से डिपार्टमेंट्स से लिस्ट मांगी जाएगी और कैसे सरकार इन रोजगार की स्थितियों को बेहतर करेगा, लोगों को रोजगार दे पाएगा। जो युवा लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें 5 साल में मौका नहीं मिला, उनको आने वाले 5 साल की शुरुआत में ही मौका मिल जाना, इसका क्या फॉर्मूला, क्या रोडमैप, क्या एक्शन प्लान सरकार ने तैयार किया है, इस पर चर्चा करना जरूरी है। क्योंकि सबसे अहम सवाल उत्तर प्रदेश में अगर कुछ है तो वो रोजगार को लेकर की ही है। बेरोजगारी लगातार समस्या बनी हुई है, युवा सड़क पर है, युवा परेशान है और सरकार ने यह कह दिया है कि 100 दिन में 10,000 रोजगार देंगे, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की जो किरण है उन युवाओं को दिख रही है। लेकिन अब ये जो भर्तियां हैं, ये भर्तियां कैसे होंगी, कैसे पूरी करी जाएंगी 100 दिन के अंदर, ये भी अपने में एक बड़ा सवाल है। क्या कुछ पुरानी जो भर्तियां उत्तर प्रदेश में अटकी हुई हैं उन्हीं को पूरा किया जाएगा, कुछ की परीक्षाएं रुकी हुई है क्या उनको पूरा किया जाएगा, या नए तरीके से नई भर्तियां निकाली जाएंगी, आयोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी कि साफ सुथरी तरीके से परीक्षा कराइए, पेपर ऊपर ना उठ हो पाए
और उसको पूरा करके रोजगार देने की प्रक्रिया, जो 100 दिन में जो लक्ष्य बनाया है 10,000 रोजगार देने का सरकार ने, उसे पूरा कीजिए। इस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार ने अपने शुरुआती दिनों में ही इस फैसले को ले लिया है और साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने इस बात को कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में ही सबसे ज्यादा रोजगार दिया जा सकता है और उसी गवर्नमेंट सेक्टर से ही उम्मीद सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के युवाओं को रहती है। लंबे लंबे समय तक युवा तैयारी करता है, अपने घरों से दूर रहता है, परीक्षा के लिए फार्म भरता है, लेकिन जब परीक्षा के पेपर लीक हो जाते हैं या परीक्षाएं नहीं होती हैं या फिर नौकरी के फार्म नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं उम्मीद जो है वो टूट जाती है। लेकिन इस बार सरकार ने शुरुआती चरण में ही इस बात को क्लियर कर दिया है कि हम रोजगार देने की दृष्टि में पूरी तरह से तैयार हैं, काम करने के लिए तैयार हैं और कोशिश हमारी रहेगी कि 100 दिन के अंदर 10,000 रोजगार उत्तर प्रदेश में दिए जा सके। रोजगार की कैटेगरी उत्तर प्रदेश में अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बहुत सारी जो भर्तियां हैं, बहुत सारे जो पद हैं सरकारी, वो खाली हैं। लेकिन अब इसकी तैयारी कैसे वो करी जाएगी, क्या एक्शन प्लान बनाया गया है, कैसे बीजेपी इस पर काम कर रही है, कैसे सरकार इस पर काम कर रही है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या 100 दिन में ये मुमकिन है कि उत्तर प्रदेश में 10,000 युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है या फिर सिर्फ एक बार फिर कहने की बात है। एक रिपोर्ट देखिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूं। इस डिबेट पर हमारे साथ जो मेहमान है वो सभी जुड़ गए हैं, बहुत ही अहम मुद्दा है आज का और इस मुद्दे पर बात करने के लिए जो मेहमान है वो जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं उसके बाद इस डिबेट को शुरू करेंगे। शबनम पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बीजेपी से, प्रदीप चौधरी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, सत्यजीत सिंह हमारे साथ प्रसपा से जुड़े हुए हैं, विनोद सिंह हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता विभांशु मनी त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का आज की डिबेट में बहुत स्वागत है। शबनम पांडे जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, बहुत ही अहम फैसला सरकार की तरफ से उठाया गया है क्योंकि इस फैसले पर बहुत से युवाओं की नज़र टिकी हुई थी कि सरकार इस बार जब दूसरा टर्न है आप लोगों का उत्तर प्रदेश में तो रोजगार की दृष्टि में आप किस तरह से काम करेंगे, कैसे उसकी तैयारी करी जाएगी और क्या आगे उन युवाओं को करना है। लेकिन पहले ही चरण में शुरुआत में ही आप लोगों ने इस फैसले को सुना दिया है कि 100 दिन में 10,000 युवाओं को रोजगार उत्तर प्रदेश में दिया जाए, क्या एक्शन प्लान है, कैसे तैयार किया गया है और क्या आगे की रूपरेखा है इसकी? देखिए, सबसे पहले अगर आप पिछले कार्यकाल की पे भी नजर डालेंगे तो जिस रफ्तार से हमने रोजगार दिया, 5 साल में 2 साल सदी की सबसे बड़ी महामारी के मुंह में चला गया। सरकार की प्लानिंग रोजगार को देने को 2020-21 में बहुत जबरदस्त प्लानिंग बनी थी, सभी विभागों से सरकार ने रिक्तियां की लिस्ट भी मांगी थी, लेकिन उसके बावजूद 3 साल जो हमने काम किया उसमें 4.5 लाख
लोगों को सरकारी नौकरियां दी और तमाम स्वरोजगार के रास्ते खोले और उसमें लोन भी दिया। अगर उनके भी आंकड़े आप लेना चाहें तो मैं लगातार उसके आंकड़े आपको बता सकती हूँ जी। कि ODOP के तहत 25 लाख लोगों को रोजगार दिया, बड़े औद्योगिक यूनिट में 3 लाख से अधिक को दिया, स्टार्टअप में 5 लाख, बैंकिंग क्रोस्पोंडेंट बनाया गया हर गांव में जो कि बैंक के कार्यों में मदद करते हैं ग्रामीण लोगों को, उसमें 58,000 से ज्यादा बैंकिंग क्रोस्पोंडेंट महिलाएं बनाई गई, 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में 1 करोड़ महिलाओं को जोड़ा गया। फिर जो श्रमिक आए थे हमारे कोरोना के समय में प्रवासी श्रमिक, उनकी स्किल मैपिंग करके उनको रोजगार दिया गया। और डेटा सेंटर जो हमने नोएडा में खोला, पहला डेटा सेंटर है नोएडा में उत्तर प्रदेश का, उसमें हमने 50,000 युवाओं को रोजगार दिया और तमाम स्वरोजगार के रास्ते युवाओं के लिए खोला। लेकिन कोरोना की महामारी में बहुत से लोगों के रोजगार गए, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं, पर उन उन युवाओं को बेरोजगार नहीं रखना चाहती सरकार, उनके लिए फिर से नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए हमने रोजगार मेला 2022 करने का किया है और उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पहले भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बेरोजगारों का हो रहा था और सभी जिलेवार उस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को ध्यान में रखा गया। मेरा एक सवाल है शबनम जी, मेरा एक सवाल है, क्योंकि जो चुनाव बीता है उस चुनाव में विपक्षी दलों की अगर बात करें, चाहे सपा की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, इन लोगों ने हमेशा ही रोजगार को लेकर के काफी सवाल आप लोगों के सामने खड़े किए थे, और जिस तरह से अभी आपने जो डाटा गिनाया उस हिसाब से लग रहा है कि प्रदेश सरकार ने पिछले 5 साल में भी बहुत काम किया है रोजगार की दृष्टि में, तो ये क्या विपक्षियों को नहीं दिख रहा था या फिर जो चीजें उन लोगों ने पेश की वो सही नहीं थी? देखिए, निश्चित तौर पे उन्होंने जिस तरीके के आरोप लगाए वो निराधार रहे, इसीलिए हम जीत कर आते हैं, हम जनता का विश्वास जीतते हैं। हम ये भी मानने को तैयार हैं कि कोरोना काल में बहुतों के रोजगार गए, लेकिन ये भी सत्य है 100% कि हमने रोजगार दिया और रोजगार के नए अवसर खोले। लेकिन नए अवसर में सबसे अहम मैं मानती हूँ ODOP को। हमारा हर जिला किसी न किसी चीज के लिए प्रसिद्धता पर 70 साल की आजादी के बाद से इस बात पे किसी का ध्यान नहीं गया, और आज मैं आपको गर्व से कहती हूँ 34,000 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट है ODOP के जो Amazon में लिस्टेड है, और आज हम इस ये जो अवसर दे रहे हैं रोजगार के, ये अवसर पहले भी दिया जा सकता था, और हम हर जिले में एक उस प्रोडक्ट का एक इंडस्ट्रियलाइजेशन करके एक बड़ा हब खोल सकते थे, पर पहले की सरकारों की दूरदर्शिता नहीं थी। लेकिन अभी भी हमने जिलावार सूची बनाया है रजिस्ट्रेशन करके पोर्टल पे, और हर विभाग से रिक्तियां भी ली हैं, और रिक्तियां जो हैं उनको निष्पक्षता के साथ भरने के लिए, देखिए चाहे किसी भी तरीके की कहीं कोई गड़बड़ी का होता उसे हमारी सरकार निरस्त करती है। ऐसा नहीं है कि पहले पर्चियां लीक नहीं होती थी, पहले एक जाति विशेष की भर्तियां होती थी, ये सारी चीजें आप जानते थे, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती थी। हमने अगर एक एक नौकरियां दी है, चाहे वो 4.5 लाख सरकारी नौकरियां हो या रोजगार जो हमने स्वरोजगार की तरफ लोगों को जोड़ा है, इन सब में पारदर्शी तरीके से उन्हें मदद किया। अगर आर्थिक मदद किया है तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की तरह, कोई बिचौलिया नहीं है। और आपने देखा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम दूसरे स्थान पर आए हैं, उसकी वजह यही है। नीति आयोग ने लगातार इसकी तारीफ की है कि उत्तर प्रदेश सबसे तेजी से नौकरियां देने वाला प्रदेश है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जनता को जिस मुद्दे पे घेरना हमारी सरकार को जिस मुद्दे पर विपक्ष घेरना चाहती थी, जनता ने उसे सिरे से नकारा है, पर हम जो और बेरोजगार हैं, जो 17% से 4% पे आए हैं, उन बेरोजगारों के लिए भी बहुत तत्परता के साथ 100 दिन का एजेंडा बनाया गया है, जिसमें 10,000 नौकरियां देने की बात की गई है, और उस पर हमारी सरकार काम करेगी। अब 5 साल हमारे पास है, 5 साल में हम बहुत से अवसर प्रदान करेंगे, क्योंकि लिस्टिंग हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन बहुत से बेरोजगारों का हो चुका है। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। विनोद सिंह हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए। विनोद भाई, पूरे चुनाव में आप लोगों ने रोजगार 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 का हल्ला मचाया, शबनम जी ने एक ही जवाब में सारे जवाब आप लोगों के दे दिए कि कितना क्या काम बीते 5 साल में हुआ था
और आने वाले 5 साल के लिए भी रोड मैप तैयार कर लिया गया है। रोजगार की दृष्टि में उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले भी बेहतर काम किया था, इस बार और बेहतर तरीके से काम करेंगे। देखिए, चुनाव जीत गए ये ठीक है, ये एक पक्ष है, लेकिन जिन मुद्दों के साथ, जिस प्रभावी ढंग से जिन्होंने बात की थी, तो इसका मतलब इनके आंकड़ों की समझ या तो नहीं है, या तो आंकड़ों की समझ होने के बावजूद पूरे विश्वास के साथ झूठ बोलने की भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति है। पिछले 55 साल में चिंताजनक रूप से जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है वो तो डेटा बताते हैं, और रही बात ये लोग इतना ट्विस्ट करते हैं, अरे एम्प्लॉयमेंट क्या है, अब आपके तो जिम्मेदार नेताओं ने कहा कि पकौड़े तलना भी रोजगार है। आप डेफिनेशंस को बदलने में अपनी, क्योंकि आप चुनाव जीत रहे हैं तो आपको जो नहीं करना आता उसमें भी अपनी पीठ थपथपाने का काम करते हैं। आज आप देखिए क्या स्थिति, आपके सर्वोच्च नेता माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी, अब आप उसको कहते हैं, फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, डिजिटल इंडिया। नितिन जी आप बताइए इससे कितने लोगों का रोजगार सृजन हुआ, कितने लोग मनरेगा, नरेगा वाला भी कुछ चल रहा था बीच में। नहीं नहीं आप बताइए उसका एंड रिजल्ट क्या रहा। रही बात मैडम कह रही थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अरे मैडम वेयर इज द बिजनेस, बिजनेस है कहां पर? गुजरात के एक लॉबी के पास है। आपकी बार सुनने में आ रहा कुछ 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में होना है फिर से। और रही बात शायद शबनम जी को संवेदनशीलता या सहानुभूति, जो वाकई बैकबोन है एम्प्लॉयमेंट का, हमारे सरकारी कर्मचारी, उनके साथ इनकी सहानुभूति नहीं है। आप देखिए बैंकिंग की हालत देखिए, रेलवे की हालत देखिए, और किसी भी मंत्रालय की हालत देखिए, किस प्रकार से पीएसयू को बेचा जा रहा है, उसकी प्रॉपर्टी पे बंटाधार करने की बात चल रही है, ये कहां पर कैसे सिद्ध कर सकते हैं? लेकिन यूपी कहीं में कोई रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। विनोद जी यूपी में कहा जा रहा है कि 100 दिन में 10,000 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, टारगेट लेकर सरकार काम कर रही है, और विभागों के अधिकारियों को बोला भी गया है कि भैया अपनी लिस्टिंग विस्टिंग बना करके दो, इस पर जल्दी जल्दी काम किया जाए। देखिए अभी क्या ये पॉसिबल है? अभी तक तो देखिए इनकी नीयत पे संदेह होता है, ये कहते इनकी कथनी और करनी का स्पष्ट अंतर देखा है। अब ये कह देंगी बड़ी दम के साथ, आत्मविश्वास के साथ, कि हम तो चुनाव जीत रहे हैं। ठीक है, चुनाव आप जीत रहे हैं, लेकिन मुद्दों पर जो जो युवाओं की समस्याएं हैं, परिवार की समस्या है, रोजगार की बात है, उस पर आप कैसे, कोई रोड मैप आज तक नहीं आया। आप बताइए, अगर आपका एक रोड मैप होता, इच्छा शक्ति होती, नीति होती, नियत होता, तो अनएम्प्लॉयमेंट का इतनी भयावह स्थिति क्यों होती? लोग सुसाइड कर रहे हैं, वो अपने फैमिली का गुजर बसर ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, और जो भी उनके साथ पर्याप्त साधन संसाधन थे, आपने उनको किसी ना किसी रूप से असहयोग करने का काम किया है, कोई सहयोग नहीं दिया। एक तो कुदरत की मार, कोरोना की आफत, उसके बाद आपकी ना समझ नीतियां। कुल मिला के आप उस पीड़ित परिवार से पूछिए जो अतिरिक्त बोझ के मारे है, वो स्वाभिमान उसका नहीं है, स्वाभिमान के साथ आगे नहीं चल पा रहा है, महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ी हुई है। आप कैसे, क्या कोई मैच है? आप केवल बात कर देंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये है, वो है। अरे ठीक है, चुनाव जीत गए, लेकिन आप चुनाव जनता के लिए जीते हैं, उनके ईज ऑफ लिविंग लाइफ को आप कैसे बदल सकते हैं? क्योंकि वहां पर नीति नहीं है, वहां तो आपका निजीकरण कर देना है। आप निजीकरण करेंगे तो नौकरी किसकी जाएगी, और निजीकरण किस डेटा, किस मनसा के साथ करेंगे, वो भी जग जाहिर है। देश के साधन संसाधनों का दुरुपयोग करके अपने चुनिंदा मित्रों को फायदा कर दीजिए, जो आपको फंड करें, आपके पार्टी के लिए उपयुक्त हो, बाकी देश का नौजवान भाड़ में जाए। ठीक है, मैं आता हूँ भाई। सत्यजीत सिंह हमारे साथ जुड़े, मैं आ रहा हूँ, सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपके बाद इकट्ठा होऊंगा, आप सबके जवाब दे दीजिएगा। सत्यजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यजीत जी, आप लोगों ने भी विपक्ष के रूप में चुनाव के दौरान काफी कुछ सवाल रोजगार को लेकर के पूछे थे सरकार से। शबनम जी ने अभी बताया कि किस तरह से पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश सरकार ने रोजगार की दृष्टि में काम किया, और अब एक नया मोटिव लेकर के सरकार काम कर रही है, नए टारगेट के साथ काम कर रही है कि 100 दिन में 10,000 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। पॉसिबल है, आपको लगता है, हो सकता है? ये स्तर पर मंदी चल रही है, और चाहे विकसित देश हो, चाहे अविकसित देश हो, गरीब देश हो, अमीर देश हो, हम कहते हैं चाहे नाकाम देश हो, चाहे अति विकसित देश हो, सभी जो है रोजगार से और सभी महंगाई से पीड़ित है। महंगाई का हाल बताने वाली जो मुद्रा स्फीति, जिससे हम महंगाई को आंकते हैं, जाहिर सी बात है कि बेरोजगारी नहीं तो क्रय शक्ति घटी है, बेरोजगारी है तो क्रय शक्ति घटी है, उसमें हम 6.7 पर हैं।
जबकि उसी जगह पे श्रीलंका के हालात आप देख रहे हैं, वो 18% वहां पे मुद्रास्फीति है। पाकिस्तान में भी 15% से अधिक मुद्रास्फीति है। तुर्की और अर्जेंटीना के हाल तो पूरे विश्व में बहुत खराब है। अमरीका भी 40-45 साल में कभी भी इस दौर से नहीं गुजरा है, 8% मुद्रास्फीति दर है वहां पे। तो देखिए, ये महामारी के बाद जो है संकट पूरे विश्व में आया है। अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 10,000 युवाओं को नौकरी देंगे, ठीक है, प्रयास उनको करना चाहिए, सरकार में आने के बाद उनको अपने वादे पूरा करना चाहिए। जिन वादों पे भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में जाकर के चुनाव लड़ा है और चुनाव जीत करवाए हैं, जनता की मनपसंद पे उन्होंने सत्ता संभाली है, तो कम से कम जो है उन वादों को पूरा करना चाहिए। और रही बात ये कि वो रीत नहीं अपनानी चाहिए कि जो श्रीलंका ने अपनाई है कि यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा कृतम विभेद, कि हम उधार ले लेकर के ऋण पीते रहे, अंत में हमारी स्थिति श्रीलंका जैसी हो जाए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए, वैसे कार्य जो भी हो रहे हैं वो अभी हमारी बात है, ना रोजी ना रोजगार, समस्याएं हजार, ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रयास सरकार करे तो इन समस्याओं से हम दूर हो सकते हैं, इन समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। आपको लगता है ये पॉसिबल हो सकता है क्या 100 दिन में 10,000? क्यों नहीं हो सकता? देखिए, अच्छा। हम तो पॉजिटिविटी के लोग हैं, हम तो सकारात्मक। आजकल आप कुछ ज्यादा ही पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं बीजेपी से। नहीं नहीं, हम देखिए उत्तर प्रदेश के भले के लिए सोचते हैं, 24 करोड़ की आबादी के भले के लिए सोचते हैं। उत्तर प्रदेश और देश की भलाई को सोचना क्या ये बुरी बात है नितिन जी? हमें नहीं लगता की बुरी बात है। हम तो कहते हैं चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको उत्तर प्रदेश और देश की भलाई के लिए सोचना चाहिए। देखिए, हम हमारी स्थिति श्रीलंका जैसी ना हो इसलिए हमें सचेत रहना है। अभी श्रीलंका में 150 रुपए का एक ब्रेड मिल रहा है, आप सोच सकते हैं कि 150 रुपए ब्रेड जहां मिल रहा है वहां की हालत क्या हो। पेट्रोल के दाम 300 रुपए हो गए, डीजल 250 रुपए और 200 रुपए से शुरू हुआ था। छोड़िए श्रीलंका, यूपी में रहिए, यूपी की बात। यूपी में अगर हम रहेंगे तो हम ये कहना चाहते हैं, श्रीलंका को इसलिए उद्धृत कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के हालात ऐसे ना हो। तो अगर 10,000 युवाओं को नौकरी देने की बात चल रही है तो उसमें बुराई क्या है? प्रयास करते रहना चाहिए, प्रयास करने सफलता मिलती है, और सफलता मिलेगी तो उत्तर प्रदेश का भला होगा, 24 करोड़ आबादी का भला होगा, और हम उत्तर प्रदेश की जनसेवा के लिए ही तो राजनीति कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि अपनी सुख सुविधा के लिए कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, उत्तर प्रदेश की भलाई जिसमें छिपी है और जिस कार्य को करने से उत्तर प्रदेश का भला होने वाला है उस कार्य को तुरंत कर देना चाहिए। तो हम तो ये मानते हैं कि रोजी रोजगार के मामले में सरकार को पहल करनी चाहिए, कदम उठाना चाहिए और बेहतर कदम उठाना चाहिए, और हमें ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश का आने वाले समय में बेहतर कदम के द्वारा परिणाम बदले जा सकते हैं, जो भी परिणाम आने वाले हो वो बदले जा सकते हैं। अच्छा, वो कुछ बात वो शिवपाल जी वाला मामला कुछ बना क्या अभी? देखिए, शिवपाल जी वाला मामला किस तरीके से आप जानना चाहते हैं कि बना कि बना? जिस तरीके से आप बता दें। क्या कह रहा हूँ, जिस तरीके से आप बता दें। नहीं देखिए, हम तो उत्तर प्रदेश शिवपाल जी की बात जहां तक रही, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी तो हमेशा उत्तर प्रदेश की भलाई काम करते हैं, और हम तो आज भी जो समाजवादी पार्टी के झंडे से उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं उत्तर प्रदेश का भला हो, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी किसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, कौन सी तो देखिये, शिवपाल सिंह यादव के बनने की बात नहीं है, प्रगति समाजवादी पार्टी के बनने की बात नहीं है, बात उत्तर प्रदेश बनने की है, बात देश के बनने की। उत्तर प्रदेश कैसे बने, देश कैसे बने, पार्टियां तो आती जाती रहेंगी। मैं सुनने में आ रहा था ना कि जो लोग बना रहे हैं उत्तर प्रदेश को, आप लोग उन्हीं के साथ जाने वाले हैं। नहीं नहीं, देखिए सब लोग मिल के बनाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि 24 करोड़ की आबादी में केवल प्रगति समाजवादी पार्टी बना रही है, ऐसा नहीं है। हम तो कहते हैं कि जहां पे सकारात्मक विचारधारा हो और जहां तक सकारात्मक सोच के लोग हो, उसी से प्रदेश बनता है, और पॉजिटिविटी के साथ देश बन सकता है, प्रदेश बन सकता है, और नेगेटिविटी के साथ तो नहीं बन सकता। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। विभांशु मनी त्रिपाठी हमारे संवाददाता जुड़े हुए। विभांशु, क्या कुछ अधिकारियों से आपकी बात हुई, कुछ युवाओं से आपकी बात हुई? ये जो फैसला आया है सरकार की तरफ से 100 दिन में 10,000 रोजगार देने का, युवाओं में क्या उत्साह है इसको सुनने के बाद? जी नितिन जी, आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सेवा चयन आयोग को शब्दम जी को आवाज नहीं मिल रही है, और कहा गया है कि 100 दिन के अंदर, जी 100 दिनों में, 100 दिनों में 10,000 उत्तर प्रदेश के अंदर में रोजगार दिए जाए, जिसमें पूरे पारदर्शिता के साथ और आरक्षण की जो नीति है उसको देखते हुए 10,000 रोजगार दिए जाए। साथ ही साथ आपको बता दें कि पिछली सरकार में आपने देखा था जो 17 से 2022 का कार्यकाल था, उसमें सरकार की तरफ से कहा गया कि
4,11,000 कि 70 लाख स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे, लेकिन नितिन जी आप अगर धरातल पे देखें तो स्वरोजगार के अवसर कैसे प्रदान किए गए और कहाँ है ये स्वरोजगार। वही अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार की तरफ से कौशल विकास योजना चलाया जा रहा है, जिस योजना के तहत मैनिफेस्टो में कहा गया था 2017 से 22 के हर एक घर से हर एक युवा को कौशल विकास प्राधिकरण जो प्रशिक्षण होगा वो दिया जाएगा। और जैसे चाइना काम करता है कि हर घर में एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन के उभरता है, वैसे भारत के अंदर में भी हर एक युवा कुछ प्रशिक्षण लेकर उस पर काम करेगा, जिससे हमारे देश के प्रोडक्ट बाहर जाके बिकेंगे और हमारे देश की जीडीपी में भागीदारी बनेंगे। मतलब युवाओं में कहीं ना कहीं खुशी है इस फैसले के बाद। 2014 से कौशल विकास योजना जी आपको बता दें कि युवा इस जो फैसले हैं इससे आने के बाद कहीं ना कहीं खुश दिख रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती चाहे बात की जाए, अबकारी सिपाही भर्ती चाहे कनिष्ठ सहायक, ये सब भर्ती जो युवाओं के रोक लगी थी, साथ ही साथ उनके परीक्षा में परिणाम आने के बाद भी उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिलती थी, उनकी आशा अपेक्षा कहीं ना कहीं बढ़ गई है कि उन्हें जो 10,000 नौकरियों का बात कही जा रही है, चयन आयोग के बोर्ड में कहा जा रहा है कि 10,000 नौकरी दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये युवा आशा अपेक्षा लगा कर बैठे हैं। नितिन जी ठीक है। शबनम जी मैं आपके पास आता हूँ, कुछ कहने वाली थी आप, कोई जवाब देने वाली थी विनोद सिंह जब कुछ कह रहे थे। जी मैं कहना चाह रही थी कि देखिए इस बात को मानना पड़ेगा विनोद सिंह जी को कि अगर जनता का जनादेश लेकर कोई सरकार बनाती है तो कहीं ना कहीं सरकार के किए हुए कार्यों पे वो मोहर लगाते हैं और सरकार पर विश्वास करते हैं तभी आते हैं। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में पहले जीतने वाले लोग केवल उन्हें जनादेश मिलता था तो वो सार्थक था और आज जो जनादेश मिलता है उसको वो निरर्थक बोलने का करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को वो का माखौल उड़ाते हैं। दूसरी बात देखिए इस चुनाव में पहली बार आपने सुना लाभार्थी जी। लाभार्थी होते कौन है? जब हम पॉलिसीज को योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं और जब उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से होता है तो ये लाभार्थी वर्ग बनते हैं, चाहे वो कोई भी योजना हो। और पहली बार लाभार्थी वर्ग का जो गूंज उठा वो इससे पहले नहीं, पहले पॉलिसी पैरालिसिस बोला जाता था कि कोई भी पॉलिसीज तो बहुत बनाती थी सरकारें, चाहे उस वक्त की यूपीए सरकार हो या उत्तर प्रदेश की छत्रक पार्टियों की सरकार, पॉलिसी पैरालिसिस रहती थी, कोई भी पॉलिसी धरातल पर नहीं पहुंचती थी, खर्च होते थे, धनराशि लगाए जाते थे, किनके जेब में जाते थे और किनके जेब में नहीं इसके कोई आंकड़े नहीं हुआ करते थे। लेकिन इस बार पॉलिसी पैरालिसिस से पॉलिसी कॉन्शियसनेस की पैदा किया इन पिछले 5 साल में जी। और फिर आप लेकिन ये रोजगार शबनम जी जवाब दे दो, वो कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, वो पकौड़ा तलने वाला भी कुछ बोल रहे थे कि आपके कई सारे मंत्रियों ने कहा। मैं बताती हूँ, आज मैकडोनल्ड के पास आप जाते हैं, आज आप केएफसी में जाते हैं, ये क्या है? ये बर्गर ही तो तल रहे हैं लेकिन नौकरियां दे रहे हैं कि नहीं? पिज्जा हट जाते हैं आप, वो क्या कर रहे हैं? पिज्जा अच्छा तो ऐसी नौकरी कर दिलाने का आपको स्टार्टअप विशेषज्ञ ये सरकार है, ठीक है? जितने स्टार्टअप खुले हैं, जितने रोजगार के, पहले लोगों को रोजगार के करने के लिए वो ऐसी नौकरियां सृजन करने में आप पूरा ऊर्जा और अपनी ज्ञान लगा रहे हैं, इसीलिए बेरोजगारी का ये आलम है। विनोद जी सुन लीजिए, मैंने आपको सुना है, आप ईज ऑफ लाइफ की बात करते हैं, कोरोना की मार रही, ईज ऑफ लाइफ में सरकार ने जितना बड़ा, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, जितना बड़ा कदम उठाया कि हमारे गरीब तबके को मुफ्त में राशन दिया, और एक बार नहीं दो बार दिया, अभी महंगाई बढ़ी तो फिर गरीब लोगों को फिर से मुफ्त राशन का सरकार ने ऐलान किया, क्या ये उनके जीवन को आसान करने के लिए नहीं किया गया? क्या उनके प्रति सरकार ने, आज तक की सरकार, साधारण समय में 5-5 साल सरकार चलाने वाले 2 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां नहीं दे पाए, हमने 4.5 लाख दिया, और आज सरकार में आते अपनी संवेदनशीलता के साथ सरकारी नौकरियों की हमने बात की है, तो आप उनसे कैसे पूछ सकते हैं कि ये कर सकेंगे कि नहीं, क्योंकि उन्होंने तो नहीं किया, इन्हें मालूम ही नहीं कैसे किया जा सकता है। पर हमने रोजगार का जो एम्प्लॉयमेंट ये किया है, योजना बनाई है 2022 की,
उसने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है और रजिस्ट्रेशन में तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनके क्वालिफिकेशन डाले गए हैं, सारी चीजें उसके अनुसार उनको रोजगार देने का भी काम हम करेंगे। ठीक है, ठीक है। विनोद सिंह कुछ कह रहे थे, इतनी मजबूत है, विनोद सिंह कुछ कह रहे थे, सुन लेते हैं। विनोद जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, जनादेश आपको मिला है इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जनादेश के बाद जनसेवा आप किस ऊर्जा के साथ, किस प्रेरणा तत्परता के साथ करते हैं, इस पर संदेह है। और ये संदेह बार बार सत्यापित होता है जब आंकड़े, भयावह आंकड़े भारत को शर्मसार करते हैं। युवाओं के पास कोई स्कोप नहीं रहता है। आपके सरकार की पूरी नीति ये समझाने में लगी है, जो पारंपरिक समझ थी, जो पारंपरिक स्कोप था, नौकरी को लेके, स्वरोजगार को लेके जो आशाएं आकांक्षाएं थी, उसको तो आपने पानी फेर दिया। अब आप मैगडी में बर्गर तलने वाले को और पकोड़ा बेचने वाले को आप रोजगार सृजन कहते हैं, तो ऐसे यही तो अंतर है। स्वरोजगार कुछ भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, आप कैसे कंपेयर कर सकती है? एक आप मुझे बताइए, कैसे पकौड़ा तलने वाले को एक जो सरकार के तरफ से सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति है उसकी उसकी सिक्योरिटी की गारंटी कैसे हो सकती है? मिनिमम वेज कहाँ फॉलो होते हैं? हायर एंड फायर की नीति का क्या आलम है? प्राइवेटाइजेशन में किस प्रकार से लोगों का शोषण किया जाता है? मानसिक संताप झेल रहे हैं आप, इन चुनौतियों से, ज्वलंत समस्याओं से कैसे बच सकते हैं? ऐसा मौका मिला था भारत में, जो पैरामीटर थे रोजगार को लेके, जो संस्थाएं थी जिसमें हमारे देश के युवा पढ़े लिखे लोग नौकरी पाके अपने परिवार का पालन करते थे और देश की सेवा में लगे रहते थे, आपने तो वो विंडो बंद करने का काम किया है। निजीकरण से कोई रोजगार नहीं सृजन होगा आपकी ऐसी नीतियां, ये चिंताजनक है। आप बहुत खूबसूरती से दोनों को एक तराजू में तोल रहे हैं, लेकिन मैडम अंतर है। आप पूछिए, आप मैं वो पकोड़े तलने वाले से पूछिए, अगर उसको सरकारी नौकरी मिलेगी तो वो करेगा कि नहीं? वो मजबूरी में काम कर रहा है, वो निवेश करने के लिए चलने का काम करेगा, तो कितने रोजगार के सबको सरकारी नौकरी थोड़ी भी मिल जाएगी। तो कौन सबको नौकरी सरकारी देने के लिए कह रहा है? लेकिन जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं आप उन संस्थाओं को बंद करने का काम क्यों कर रहे हैं? अरे सबको नहीं मिल सकती, लेकिन जो तैयारी कर रहा है लंबे समय से उसे तो दी जा सकती है ना। पेपर लीक का मामला, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, कोई नई वैकेंसीज नहीं हो रही, कैसे चलेगा? में तो नहीं सुधरेगा ना। देखिए सत्ता में रहके आप लोगों तो पकोड़े तलाने वाली जो आपकी नियत है, सवाल उस पर है। सत्यजीत जी, बेरोजगार आप लोग हो गए हैं, आप ये बताइए, स्टैंडअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, फलाने फलाने से क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? आप सारे पब्लिक सेक्टर की कंपनियों पर ताला लगाने का काम करते हैं, दिवालिया बना देते हैं, कैसे रोजगार बढ़ेगा? सरकार के जो अच्छे काम है उसका, अरे अच्छे काम बताएं तो तब तो समर्थन किया जाएगा। विरोध करना चाहिए, आप विरोध करने के लिए विपक्ष में बैठे आप करते रहिए, लेकिन सकारात्मक बातों में विरोध करना, तथ्यात्मक तरीके से अगर कोई बात ये कहे जिसमें इनकी नीति साफ दिखती हो कि लोगों का भला हो, तब तो समर्थन किया जाएगा। वर्कर चलने वाले विदेशी कंपनी को आप कहते हैं रोजगार है, अगर रोजगार वो सर्वाइवल के लिए रोजगार है, रोजगार से निकालते हैं, बिल्कुल रोजगार है, लेकिन वो भारत सरकार उस पर दिमाग ऊर्जा लगाए, ये नहीं, ये ठीक नहीं है। वो व्यवस्था तो चलेगी अपने हिसाब से, आखिर सरकार को उसमें, सरकार को रोजगार सृजन की संभावनाओं पर काम करना चाहिए, बात इतनी सी है। सरकार को काम करने का मौका देना चाहिए और सरकार को काम करने का मौका देंगे तो जनता इस बात की उम्मीद करेगी, अगर काम नहीं होगा तो जनता की तरफ से भी आवाज आएगी, उस समय आपके लिए तो अच्छा लगता है, और हर काम में जब आप घेरेंगे तो जनता भी आपको जनपद के लोगों को रोजगार दे रहा है, हर एक काम जो आर्थिक स्थिति में, तो इसलिए जरूरी इस बात का है कि सरकार को थोड़ा मौका देना चाहिए। ठीक है, प्लीज वन बाय वन प्लीज देखना चाहिए, जो है मेरा अपना मानना है। क्या कह रहे सत्यजीत जी? हाँ,
हमारा अपना कहना है नीतीश जी कि सरकार को थोड़ा मौका देना चाहिए और सरकार को इसलिए मौका देना चाहिए कि कम से कम उनके कदम कैसे उठ रहे हैं, किस दिशा में हो जा रहे हैं, उनकी चाल कैसी है, क्या लोकहित के मुद्दों में जनहित के मुद्दों को गंभीरता से ले रहे हैं तो नहीं ले रहे हैं, तो उस पर जनता विपक्ष को घेरना चाहिए। विपक्ष को हर मुद्दे पे सरकार को घेरने का काम नहीं करना चाहिए। नहीं, ये विनोद सिंह जी को इस बात से ऑब्जेक्शन है जो ये शबनम जी ने कहा कि मैकडॉनल्ड में बच्चे काम कर रहे हैं, उनको रोजगार दिया गया, इससे उन्हें ऑब्जेक्शन है। वो कह रहे हैं कि ये रोजगार तो नहीं हुआ, ये तो जबरदस्ती का रोजगार हो गया जो पकड़ पकड़ के दे रहे हैं। सत्यजीत जी, मेरी बातों को गलत रखा। सत्यजीत जी, आप लंबी दूरी तक भारतीय जनता पार्टी के साथ जाए, मेरी शुभकामनाएं हैं, आपके रिश्ते अच्छे रहे। जा रहे हैं क्या? विनोद जी सुन लीजिए, मैंने कहा मैकडॉनल्ड में अगर बर्गर बेचे, पिज्जा हट में पिज्जा बेचे तो आप उसको रोजगार मांगते हैं, लेकिन अगर देसी समोसा और बाटी चोखा बांटे तो आप कहते हैं वो रोजगार नहीं है। नहीं, सत्यजीत जी प्लीज, मैं आ रहा हूँ आपके पास। सत्यजीत जी, मैं आ रहा हूँ। सत्यजीत जी, शबनम जी को बोल लेने दीजिए। शबनम जी, मेरी चिंता यही है कि देखिए, सरकार का, चुनी हुई सरकार का ये काम होना चाहिए प्राथमिक रूप से कि रोजगार सृजन में अपने साधन संसाधनों का किस प्रकार से सदुपयोग करे, एक ऐसा वातावरण बनाए कि ज्यादा से ज्यादा योग्य हमारे नौजवानों को, शिक्षित नौजवानों को उनके क्षमता के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकें व्यवस्था में। मुझे पकौड़े तलने में या स्वाभिमान के साथ कोई काम करने में समस्या नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि जब आपके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट की यह भयावह स्थिति है जो ज्वालामुखी से भी ज्यादा खतरनाक है, तो आप उस पर तर्क और दलीलें देते हैं कि पकौड़े तलने, चाय बेचने का भी तो काम है। जी, आप जवाब भी सुन लीजिए विनोद जी, जवाब धैर्य से सुन लीजिए जी। आपको आपत्ति किसी भी रोजगार में है तो रोजगार के संसाधन सरकार ही दे रही है, लोन सरकार दे रही है, प्रशिक्षण मैगजी में सरकार क्या दे रही है? और अगर आपने मैगजी को कहा पकौड़े तलने में, सरकार का उसमें क्या योगदान है बताइए जरा। देखिए, आप धरातल पर उतरेंगे नहीं, देखेंगे नहीं तो आपको कुछ नहीं। आप मुझे बता दीजिए इसमें सरकार का क्या योगदान है, या आपके होने वाले संभावित सहयोगी सत्यजीत जी बता दें इसमें सरकार का क्या योगदान है। विनोद जी, होने वाले संभावित सहयोगी, हम बार बार ये कहेंगे कि आपने हमें दरकिनार कर दिया है, आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों को भेजना शुरू कर दिए, आपकी इच्छा ये है कि सत्यजीत जी आ रहा हूँ सत्यजीत जी, आपसे जवाब लूंगा। चंदन जी को बोलने दीजिए। सत्यजीत जी, हाँ, कौशल विकास के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, स्टार्टअप में 17% जो है बढ़ोतरी हुई है उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप में। तो आप इतना आंकड़ों को नीचे उतरिए, धरातल पर देखिए कि आज सामान्य शिक्षित और जो शिक्षित नहीं है, जो किसी और क्षेत्र में प्रशिक्षित है, सभी को रोजगार के अवसर सरकार प्रदान कर रही है, लोन दे रही है, कौशल विकास के अंतर्गत प्रशिक्षण दे रही है कि आप कैसे अपना रोजगार खोलेंगे, कैसे उसका विस्तार करेंगे, और साथ साथ जो शिक्षित वर्ग है उनको सरकारी नौकरियों के जो रिक्तियां है उसके लिए सेवा योजन पोर्टल पे उन्हें रजिस्टर कर रही है। आप इसका ज्ञान ले लीजिए उतर के, केवल हम अगर ट्विटर पे रहेंगे तो हमें ये सारी जानकारी नहीं होगी, और शायद यही जानकारी ना होने की वजह से जनता ने आपको नकार दिया। जनता ने सोचा रोजगार तो घर पे आ रहे हैं, बेरोजगार बेरोजगारों की किसी भी समस्या के लिए मैं आपका नाम सुझाऊंगा, और आप सक्षम है उनको रोजगार दिलाने में, ये आश्वस्त करिए आज इस डिबेट में। बेरोजगारी आपको तो दिखती नहीं है, बेरोजगार लोगों की समस्याओं से आपका कोई वास्ता नहीं है, आप ये आज आश्वस्त कर दीजिए डिबेट पे, आप और आपकी सरकार को दी जाएगी, ये बताइए। और सत्यजीत जी, आप भी सहयोगी बनिए, कम से कम हमारा मेन मिशन है कि बेरोजगारी की जो भयावह समस्या है उसका निदान किसी प्रकार से हो। अगर जो आप कह रही हैं वो सही है तो उनको सहयोग मिलना चाहिए। मैं कल से जो भी लोग मुझे मिलते हैं, मेरे समक्ष आते हैं, मैं सबको बेरोजगार है, परेशान है, चुनौतियां हैं उनके पास कमाने के लिए, खाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, मैं उनको आपका, आपकी सरकार का और सत्यजीत जी का नाम सजेस्ट करता हूं, और ये आप दावा करिए कि आप यथासंभव उनका प्रयास करेंगे, और सरकार की जो अगर नीति है तो उसके माध्यम से उनको सहयोग देने का काम करेंगे। आप नहीं कर सकते,
ठीक है सत्यजीत जी क्या कह रहे थे? नितिन जी विनोद भाई एक शब्द बार बार प्रयोग कर रहे हैं, हाँ वो आपको साथ में भेजना चाहते हैं। स्थिति आंकड़े बड़े भयावह हैं, स्थिति बड़ी भयावह है, ये देखिए आंकड़े बनाते हुए बिगाड़ते। वो ये भी कह रहे हैं कि आप साथी हैं उनके? नहीं साथी नहीं है, अभी उस पर भी प्रश्न जो हमारे पक्ष में बोलेगा ये ऐसा ही बयान देंगे। अभी आप बोलिए, मतलब आप मानती है कि सत्यजीत जी बोल रहे हैं आपके पक्ष में? एक मिनट हमारे बोलने का मौका दे दें, अगर सकारात्मक काम होगा तो पक्ष में विपक्षी पार्टियां भी बोलती है ग्लोबल हंगर रिपोर्ट जो इंडेक्स आया था उसका जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स था उसमें उत्तर भारत को जो है श्रीलंका से भी नीचे किया गया था, नेपाल से भी नीचे किया गया था, बर्मा से भी नीचे किया गया था और हैप्पीनेस इंडेक्स में भी बर्मा से नीचे किया गया था। अब आप बताइए श्रीलंका से नीचे किया गया था। देखिए आंकड़ों पे सिर्फ ना जाएं, आंकड़ों में जो आज श्रीलंका की स्थिति है उसमें हैप्पीनेस के मामले में, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट के मामले में हम गरीबी हटाओ है उस समय परिश्रम करने के लिए तैयार है तो गरीबी हटाओ का नारा को छुपाने के लिए कम से कम देश में भी इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। बेरोजगारों का इस्तेमाल मत करिए, देने की जरूरत क्या थी? विनोद जी हमें लगता कि गरीबी हटाओ का नारा उस समय देना चाहिए था, उस समय जब सभी अमीर हो गए थे तो गरीबी हटाओ नारे को देने की जरूरत क्या रह गई थी? अरे आप 22 साल 25 साल में भी बेरोजगारी थी और बेरोजगारी उस समय भी थी और आज भी अगर बेरोजगारी है तो उसको दूर करने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। अरे सत्यजीत मैं सरकार भाई आप किस भावना के साथ ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, उसके क्या रिजल्ट्स हैं, सरकार को बात होगी? शबनम जी कह तो रही हैं जो हमारे साथ बोल रहा है उनको विरोधी कहेंगे आप लोग? नहीं सरकार जो सरकार अगर मुद्दे पर चर्चा ना हो कोई विरोधी आपसे सवाल ना करे, बात के फार्मूले आप चुनाव जीत गए तो क्या आपको छूट दी जाए झूठ बोलने की, अगर कांग्रेस से बाजीगरी करने की, बेरोजगारों के साथ अन्याय करने की, ये संभव नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये कभी नहीं होने देगी। मौका नहीं मिलेगा तो मेरा अपना कहना है, विनोद जी से भी कहना है, उत्तर प्रदेश सरकार को 100 दिन का मौका देना चाहिए। अगर 100 दिन के मौके पर देखकर कि वो अपने कार्य में असफल हो जाते हैं तब तो उसको घेरा जाए, लेकिन अगर असफल नहीं होते हैं तो घेरने का औचित्य नहीं है। समस्या है जो हर परिवार हर समाज हर जाति वर्ग धर्म के लोगों को ये प्रभावित कर रही है। मैं तो उस पर बात कर रहा हूं, 40-50 साल की उम्र वालों का भी है, रोजगार हो हमारे पास, नौकरियां हो हमारे पास, ये उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है। देखिए विनोद जी, क्योंकि आप सलाह नहीं लेते हैं, अगर सलाह लेना चाहे तो जबरदस्ती देता भी नहीं हूँ, लेकिन एक सलाह दे दीजिए, सलाह दे दीजिए, है छोटी सी सलाह है कि जनता के ऊपर जो है भरोसा आपका खत्म हो जाएगा जनता से अगर बार बार बेमतलब में घेरना। अरे ये सब कह के आप जनता मतलब से घेरेंगे, जनता ने जो समझ के वोट दिया है, जो सोच के उसके साथ आप अन्याय नहीं करने देंगे, लेकिन बेवजह में घेरते रहेंगे तो जनता बेवजह नहीं, इससे बड़ी वजह क्या? अरे संजय जी आप ऐसी बात करेंगे, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, इससे बड़ी वजह मौका देंगे, इससे बड़ी वजह आप आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी, इससे बड़ी वजह कोई और हो सकती है क्या? छटपटा रहे हैं अभी, बेरोजगार दर बदर घूम रहा है, मौका देने का पर्चे लीक हो रहे हैं, कोई भर्तियां नहीं हो रही है, जहां पर वो एडजस्ट हो सकते थे वहां पर देखिए वहां चाल को हम देखें, बिक्री का खेल चल रहा है, निजीकरण का दौर शुरू हो गया है भयंकर तरीके से, आप कहेंगे चिंता ना करें क्योंकि आप तो हमें जो है पूरी तरीके से सरकार के किसी भी काम का विरोध तब करना चाहिए जब सरकार गलत नीतियों को लागू कर रही हो, सरकार के किसी भी काम का विरोध तब करना चाहिए जब गलत दिशा में वो जा रही हो, तो अभी मौका है, थोड़ा सा मौका तो दीजिए, अगर मौका उनको मिलता है नहीं कर पाते हैं तो आपको घेरने का पूरा मौका रहेगा, मैं भी आपका साथ दूंगा पूरी तरीके से। ट्रैक रिकॉर्ड इनका चिंतित करता है ना, कोई दोरा नहीं है, अकेले के पल पे आप नहीं खेल पाएंगे, जब तक जो समझ है इनका जो रोडमैप है आप अकेले वो बार बार ये प्रश्न लगाता ठीक है, ठीक है प्लीज शबनम जी कुछ कह रही है, ठीक है सत्यजीत जी कांग्रेस अकेले नहीं घेर सकती, ठीक है ठीक है सर, भी साथ लीजिए, मैं घेरूंगा आपके साथ, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। शबनम जी कुछ कह रही है, जी शबनम जी, मैं विनोद जी से कह रही हूँ, जब चुनाव के दौरान ग्रामीण अंचल से शहरी अंचल तक हम लोग गए तो लगातार लोग कहने लगे जो 40-50 साल के उम्र के थे
कि सरकार ने 5 साल में इतने रोजगार और स्वरोजगार के अवसर दिए और आज 40-50 साल के लोग बेरोजगार बैठे हैं, तो इसीलिए कांग्रेस को ये सोचना होगा कि वो बेरोजगारी का जो रोना घड़ियाली आंसू बहाते हैं, सोचिए कि जो 40-50 साल के लोग हैं जो कि आज सरकारी नौकरी नहीं पा सकते क्योंकि उसमें उम्र 32 साल से ज्यादा के किसी को सरकारी नौकरी नहीं, कितना अत्याचार किया है उस पर आपने कभी जनता को संबोधन किया, कभी कहा? जनता जानती है कि 5 साल में हमने जिस तरीके से रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए और वो भी ऐसे असाधारण वक्त में जब वैश्विक महामारी था, 2 साल तक पूरा विश्व ठप पड़ा हुआ था। 2014 से लेके 18 तक आपने क्या किया, कोरोना के पहले क्या किया, वो भी आंकड़े भयावह हैं। आप भयावह भयावह शब्द प्रयोग करते हैं, देश को क्यों डराते हैं? अरे मैं संवेदनशील व्यक्ति हूँ, काम करते हैं, समझता हूँ, समझने का प्रयास करता हूँ जो बेरोजगारी का प्रभावित कर रहा है। तो कांग्रेस में नहीं होते लोग अपने सम्मान के साथ समझौता करते हुए जीवन यापन करने को विवश हैं। आपने केवल उनके वोट का इस्तेमाल किया है, कांग्रेस के बदले में कुछ नहीं किया है, तो चिंता पीड़ा होती है। कांग्रेस के पीरियड में सब राजा हो गए थे क्या, सब अमीर हो गए? अरे कांग्रेस के पीरियड में तो क्या माहौल था, क्या माहौल था? क्या माहौल था? कांग्रेस के कांग्रेस की जो भावनाएं थी, आप तो उसी को बेचने में लगे हैं। कांग्रेस ने जो बनाया उसी को बिगाड़ने में तो आप लगे हैं। कांग्रेस ने जो एक बुनियाद, एक लंबी यात्रा के तहत एक बुनियाद फाउंडेशन बनाई, उसके साथ तो आप मखौल उड़ा रहे हैं, खेल कर रहे हैं। अरे क्या बात करते हैं, सदन को घाटे में, रेलवे को घाटे में, इंडिया को घाटे में, एफसीआई को बंद किया, बता रहे हैं जो है कि हाँ बिगाड़ उतना बड़ा भूभाग तिब्बत का चला गया, उस पर आप एक आंसू भी ना बहा पाए। दुख है इस बात का, रोना है इस बात का। विनोद जी क्या बात करते हैं आप, जो है वो मरुभूमि थी, मरुस्थल थी जो पंडित जी ने उसको 2014 से 2022 तक आपने एक काम ऐसा बता दीजिए जिसमें आपकी नीति और नियत स्पष्ट हो, जिसमें आप लॉबिंग ना करते हो। अरे वो बीजेपी से थोड़ी ना है, वो क्यों बताएंगे विनोद भाई? आप बता दीजिए, आप भूल जाइए पुरानी बातें, पहले जो हुआ उसी का फॉर्मूला मान लीजिए। 14 से 22 तक आपने क्या ऐसा किया कि आम जन की स्थिति में सुधार हो जाए? अच्छा विनोद जी, 14 से पहले सभी अमीर थे, नहीं? लेकिन हाँ देखिए, अनुपातिक रूप से, संख्यात्मक रूप से लोग अब ज्यादा गरीब हुए हैं, बिल्कुल ज्यादा गरीब हुए हैं, रोजगार के साधन घटे हैं, वो माहौल नहीं है, नकारात्मकता है, चुनौतियां अपार है, सरकार का कोई सपोर्ट नहीं है। आप ये बताइए 2014 के पहले, 2014 के पहले बेहतर माहौल था, 2014 के बाद 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ कि जो परेशानियां हैं वो चौतरफा रूप से बढ़ गई? 2014 के पहले भी तो जाइए महोदय, 2014 के पहले भी 2014 के बाद आपको बेहतर करने के लिए जिम्मेदारी मिली थी, आप 2014 के पहले भी तो जाइए, 2014 के पहले जब टेरिस आते थे और बम्बई को कब्जे में ले लेते थे और 24 घंटे तक हमारे कमांडो पहुंच नहीं पाते थे, पूरी बम्बई जो है कैप्चर हो जाती थी, रोते रहते थे लोग, वो दिन नहीं याद है क्या आपको? वो दिन भी याद कीजिए विनोद जी, उस दिन को भी तो याद करिए। चलिए फिलहाल हम लोग इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे थे कि किसने क्या काम किया, किसने काम नहीं किया। मुद्दा ये था कि उत्तर प्रदेश में रोजगार कैसे बढ़े, कैसे जो बेरोजगार युवा हैं तलाश रहे रोजगार को, सरकार को मौका देना चाहिए। सरकार अगर स्टेप गलत उठाती है तो जनता खुद आवाज उठाएगी, जब जनता आवाज उठाएगी तो उसके साथ में हमारी आवाज तो बुलंद होगी ही होगी। हम सड़क से संसद तक घेरने का काम करेंगे, सड़क हो या सदन हो, हर जगह घेरेंगे, हम भाई साहब के साथ रहेंगे। विनोद जी कह रहे हैं जैसा आप आज बोल रहे हैं लग नहीं रहा कि आप घेरेंगे। शबनम जी एक लाइन में कहूंगा, शबनम जी आपको एक अच्छे सहयोगी मिल गए हैं सत्यजीत भाई, जनहित के मुद्दों का विरोध करूंगा। अब आपका काम और आसान करेंगे, धीरे धीरे आपका काम ये और आसान करेंगे, लेकिन हम आपको सवालों पर लाके रहेंगे, हम जनता से बेरोजगारों से जुड़े सवाल करते रहेंगे, आपकी मनमर्जी तानाशाही या संवैधानिक जो आपका आचरण है वो चलने नहीं देंगे, क्योंकि लोकतंत्र को बचाए रखना है। थोड़ा दो चार कदम चलने दीजिए, दो चार कदम अगर ये चल लेंगे तो पता चल जाएगा कि चल रहे हैं, सत्यजीत जी, शबनम जी, आप दोनों लोग मिलकर अनदेखी नहीं कर सकते बेरोजगारों की।
थोड़ा मौका दीजिए, मौका दीजिए। सरकार जो है अगर सही नहीं चलती है तो हम आपके साथ हैं, हम भी घेरेंगे विनोद जी, आप भी घेरिएगा, सड़क पे भी घेरा जाएगा। आप दोनों लोग मिलके ठीक है, ताकत आपने दुगनी कर ली, डेढ़ कर ली, लेकिन जनता के सवाल, दोनों लोग मिलके क्यों, जन सरोकार के मुद्दे, बेरोजगारों के काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को हर कृत का विरोध करेंगे जो जनहित के नहीं होंगे, लोकहित के नहीं होंगे, उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए नहीं होंगे, 24 करोड़ की आबादी के लिए नहीं होंगे, में अकेले आदरणीय सुभाष यादव पर जाना पड़ता है, और हर विरोध में आपको मेरा साथ देना होगा, परिवार आप हमारा साथ दें, इसलिए उत्तर प्रदेश की अच्छी सोच के लिए आप भी आगे बढ़िए, भारत ही परिवार है तो आप हमारे साथ आइए, स्वागत है, पूरा भारत ये सोचा होता तो आज आप फोन नंबर पे नहीं आ जाते हो, आपने केवल परिवार का सोचा, गांधी परिवार का, इसके अलावा अपने देश की जनता, देखिए आपके संख्या बल के सामने हम नैतिक बल से लड़ाई लड़ते रहेंगे, और जनता के सवाल पे नितिन जी चलिए हम इनको घेरने का काम करेंगे, सवाल पूछने का काम करेंगे, समय महत्वपूर्ण नहीं होता, ठीक है, समय कम है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार काम करना तो शुरू कर चुकी है, और सबसे बड़ा एजेंडा, सबसे बड़ी बात जो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस बार अपने संकल्प पत्र पर सबसे ज्यादा फोकस करी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों के लिए ये बात कही है कि आने वाले 100 दिनों में उत्तर प्रदेश में 10,000 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। रोजगार बहुत जरूरी है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि लंबे समय से युवा इसकी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सरकारी नौकरियां नहीं मिली, और विभागों में करीब 12 लाख रिक्त पद भी पड़े हुए हैं अलग अलग विभागों में उत्तर प्रदेश में सरकारी पदों पर। तो सरकार को अब इस पर जल्द से जल्द फोकस करना जरूरी है, और इस पर काम करके इन भर्तियों को पूरा करना जरूरी है, ताकि जो युवा उत्तर प्रदेश में अपना भविष्य तलाश रहे हैं उनका भविष्य अधड़ में ना लटका रहे। फिलहाल आज की डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।